के जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। हम वहां पर फ्री हैंड खेल रहे थे, और अगर आपको याद हो कि ये अमरातीस थे जो अरब के अंदर दो दीनों को जमा मत होने देना, खा वो ईसाई हो, खा वो यहूदी हो, खा वो हिंदू हो, खा कोई और हो, ये जितने लोग खा दुबई के अंदर वो बन रहा है या कोई प्रॉमिस लैंड के अंदर, नहीं आप नहीं जमा होने देना। ये जो आप वो कर रहे हैं, काम अरबों की बर्बादी शुरू हो चुकी है अरब ममालिक के रफ्तार। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा यूएई 1 तारीख से शुरू होने वाला है, उससे पहले ही पाकिस्तान का यह अजीब सा रिएक्शन आना ही था। स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम हैं वो अरब देशों को लेकर एक खासा अलग तरीके का रवैया रखने लगे हैं, और एक अलग तरीके की हेट्रेड सामने आई है जब से उन्होंने महिलाओं को लेकर जो पाबंदियां हैं वो हटाई हैं, और इसराइल को कंसिडर करने की बात शुरू हुई है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मंदिर बन रहे हैं वहाँ पर, चर्चेस बन रहे हैं, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो पाकिस्तान के मीडिया में किस तरीके की बातें हो रही हैं कि अरब देश बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया के लोग भी इसी तरीके, स्पेशली मुस्लिम लोग, ये आप चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, कमेंट सेक्शन पर, हर जगह इस तरीके की बात होती रहती है। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएई का दौरा है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये बात हो रही है कि अब पाकिस्तानियों को जो रही सही लोग थे उनकी भी छुट्टी हो जाएगी और इंडियंस पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। आपको पता है कि यूएई हो या अरब देशों के कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर ज़्यादातर इंडियन आबादी होती है, फिर उसके बाद पाकिस्तानी, फिर बांग्लादेशी, फिर नेपाली या श्रीलंकन। तो इन्हीं वजह से वो कंट्री में वहाँ पर एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ कि भीड़ भाड़ दिखती है, नहीं तो वहाँ के तो बहुत ही कम लोग हैं, और वो लोगों की ज़रूरत भी है, ये लोग मतलब इन कंट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि यही लोग वहाँ पर जाकर बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े कर रहे हैं, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, स्पेशली सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया से होती है, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, या किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, यही के लोग करते हैं, और वहाँ के लोगों को मतलब एक अलग तरीके की लाइफ जीने का मौका मिल रहा है, और स्पेशली यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा है और यहाँ की कंट्रीज़ का भी फ़ायदा है कि अच्छा खासा इन्हें रेवेन्यू मिलता है। तो ये एक हमारे लिए एक ऑब्वियसली इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हमारे ये एक्सटेंडेड नेवर हैं, मतलब नेवर ही हैं। आपको भी पता है कि अगर समुद्र ना हो तो सीधा अरब कंट्रीज इंडिया से कनेक्ट ही है, मतलब आप समझ सकते हो। तो यही बात हो रही है, और पाकिस्तानी मीडिया को लेकर इस तरीके का रिएक्शन वहाँ से आना ही था। तो आपको ये वीडियो देखें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अरब जो इस वक्त बड़े शेर बने हुए ना, जिस वक्त आज कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विसाल से पहले, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले जो चंद वसीयतें की हैं, उनमें से अब्दुल्ला बिन मसूद की जो अहम तरीन वसीयत थी जो आपने हज़रत उमर को सुनाई थी, तो आपने कहा था ला यज्तमुल दीनैन फी जज़ीरतिल अरब, अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो जज़ीरतुल अरब के अंदर दो दीनों को जमा मत होने देना, खा वो ईसाई हो, खा वो यहूदी हो, खा वो हिंदू हो, खा कोई और हो, ये जितने लोग खा दुबई के अंदर वो बन रहा है या कोई प्रॉमिस लैंड के अंदर, नहीं आप नहीं जमा होने देना। ये जो आप वो कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अरबों को कहा गया, मुझे नहीं कहा गया, इसलिए अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैलुल अरब, अरब की तबाही, इन पर तबाही आएगी। ये जो रसूल सल्लम के अहकामात के मुनकर हो रहे हैं ना, उनको क्योंकि बुनियादी एड्रेस वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, अरबों की बर्बादी शुरू हो चुकी है अरब ममालिक के रफ्तार रफ्तार अपनी अकदार को, अपनी सकाफतों के अंदर खंजर घोंपने के लिए यहूदियों को अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, यहूदियों को चर्च बना कर, सैनिगॉग बना कर दे रहे हैं, ईसाइयों को चर्च बना कर दे रहे हैं, और हिंदुओं को मंदिर बना कर दे रहे हैं। नासिकाम, अफ्रीका में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में, और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स के इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। और वो ये था कि जैसे जैसे मैंने बताया कि ये चौथा विजिट है नरेंद्र मोदी का जनवरी 22 में, यानी कि इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी।
अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड टू की बातें हो रही हैं, जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है, और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर हैं वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड, यानी कि वो जारी बात, एक तो चलो ठीक है वहां पे बहुत ज्यादा जो इंडियन एक्सपेट्रेट्स हैं रह रहे हैं वहां पे, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान से लोग दुबई जो है वो अपना घर ही समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर हैं तो वो आई थिंक वो दुबई में रहते हैं, क्योंकि वो उनको एक तो आसान भी है रहना, ना वो इंडिया में रहेंगे ना वो पाकिस्तान में रहेंगे, एक तीसरा न्यूट्रल जो है वो प्लेयर बना हुआ। बट एनी हाउ दिस कमिंग बैक टू इट, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि अब देखें कि जिसे आप कह लें कि जिस तरह सिंगापुर की जो है वो ईस्ट में जो है वो इसकी वैल्यू है, इसी तरह यूएई की जो समझ लें कि एक वेस्ट में एक वैल्यू है और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी इसकी बड़ी वर्थ है। अब अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने एक तो बताया कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने एक बुनियाद रखी, और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक चीजों को फोर्सी करने में कामयाब हुए। एक तो जारी बात है इंडिया उस वक्त एक प्रॉपरली मिड साइज पावर तकरीबन ऑलमोस्ट है, जो कि अपने खित्ते में चलो एक ग्रेट पावर के तौर पे ऑपरेट कर रहा है, और दूसरा ये है कि यूएई में और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी, और तीसरा यह है कि पाकिस्तान की भी अब जारी बात है वो पोजीशन नहीं रही थी, क्योंकि जो ओवरऑल पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज हिस्टोरिकली ऑलवेज ट्राई टू यूज मिडिल ईस्टर्न एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज फॉर कश्मीर इशू, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे, या फिर यह कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी। तो उस जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही, इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब आप देखें ना कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकाल लिए हैं, गल्फ रीजन के साथ जिस तरह सिविल मिलिट्री इंडिया की क्यादत जो है वो कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पे इब्राहिम अकॉर्ड करके इसराइल को मेन स्ट्रीम किया उसका इंडिया को बहुत फायदा हुआ, और फिर जिस तरह आप कहते ना इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और अगर आपको याद है कि जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे 2017 का, उसमें जो जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी जो है वो भी आए थे, जिस तरह एमबीएस हैं